हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना फर्स्ट लेक्चर जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। यह है आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो पार्टनरशिप है, जो आपकी पार्टनरशिप फर्म है उसमें किस तरह से फंडामेंटल्स, जो उसका बेसिक है, उसके बेसिक के अंदर किस तरह से एंट्रीज होंगी और कौन कौन से ट्रीटमेंट है। तो ये आपका लेक्चर फर्स्ट है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें कुछ बातों को, कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करना होगा इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। तो यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं, ठीक है, कुछ कीवर्ड्स हैं जो टर्म्स हैं यूज हो रही हैं, तो उन कीवर्ड्स को हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो वर्ड है, फर्स्ट वर्ड यहाँ पे, वो है आपका बच्चों पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन, रिलेशनशिप है बिटवीन टू पर्सन, बिटवीन पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि इट मींस जो हमारा पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप ये एक रिलेशन है और रिलेशन किन के बीच में? बिटवीन पर्सन, और ऐसे पर्सन जो एग्री होते हैं किस चीज़ के लिए कि जो बिजनेस में, जो फर्म में प्रॉफिट और लॉस होगा उसे वो लोग शेयर करेंगे। उसके बाद सेकंड वर्ड है पार्टनर्स। देखिए, सबसे पहले पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या बताया इन्होंने कि ये रिलेशन है। और पार्टनर कौन है? पार्टनर्स आर द पर्सन, द पर्सन ये पर्सन है हु हैव एग्री, जो एग्री हुए हैं किस चीज़ के लिए एग्री हुए हैं, कैरी ऑन बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट और लॉस। इट मीन्स जो पार्टनर है, पार्टनर पर्सन है, और वो वाले पर्सन जो एग्री हुए हैं किस चीज़ के लिए, बिजनेस को कैरी करने के लिए, और उसका जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसे वो लोग शेयर करेंगे। उसके बाद है फर्म। फर्म मीन्स पार्टनर्स कैरी ऑन द बिजनेस कलेक्टिवली नो एज फर्म। अगर पार्टनर्स को, जैसे हमारे पार्टनर्स हैं, पार्टनर ए, पार्टनर बी और सी, ये थ्री पार्टनर्स हैं, तो अब इन्हें कंबाइंड कर दिया जाए तो ये हमारी क्या बन जाएगी? फर्म। उसके बाद चलिए देखिए, जो अपना पार्टनरशिप का जो चैप्टर है, पूरी की पूरी बुक के अंदर जो पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होगा वो आपका 1932 एप्लीकेबल होगा। उसके बाद पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है? एक रिटन एग्रीमेंट है, और किन के बीच में रिटन एग्रीमेंट? पार्टनर के बीच में, जो पार्टनर्स हैं उसमें उनकी डिटेल्स लिखी रहेगी, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि जो पार्टनर्स हैं उन्होंने जब वो पार्टनर जो है फर्म में आए थे तो किस कंडीशन पे आए थे, उसकी डिटेल, उसकी कंडीशंस, टर्म्स उसके अंदर मेंशन होगी पार्टनरशिप डीड में। तो ये जो वर्ड है आपका पार्टनरशिप डीड, ये इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट, यह है आपका कैपिटल। कैपिटल इज द अमाउंट, कैपिटल इज द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर इन द फर्म। ऐसी कैपिटल, ऐसी अमाउंट जिसे कंट्रीब्यूट किया है पार्टनर्स ने, कहाँ पे? इन द फर्म, ठीक है, जो भी पार्टनर्स लेके आ रहे हैं फर्म को चलाने के लिए। देखिए, अगर फर्म को रन करना है, चलाना है, तो कैपिटल की जरूरत होगी ना। तो जो भी कैपिटल, जो भी फंड वो लेकर के आएंगे वही हमारा कैपिटल होगा। उसके बाद देखिए, जो कैपिटल है, कैपिटल मे बी, कैपिटल मे बी फिक्स और फ्लैक्चुएटिंग, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं कौन कौन से? फिक्स एंड फ्लैक्चुएटिंग। उसके बाद देखिए, थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं फिक्स कैपिटल। ये कुछ मेन कीवर्ड हैं, वैसे तो हम लोग डीपली आगे चल के देखेंगे इन्हें, लेकिन देखिए यहाँ पर जो फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल मीन्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर रिमेन फिक्स चेंज विद द इंट्रोडक्शन और विदड्रॉल ऑफ कैपिटल। ये हमेशा ही रिमेन क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, जब तक कि इसमें इंट्रोडक्शन ना हो, पार्टनर न्यू कैपिटल बिजनेस में लेकर के ना आए, या फिर विदड्रॉल मीन्स विदड्रॉल ना करे, लेकर के ना जाए। उसके बाद व्हेन कैपिटल आर फिक्स टू अकाउंट्स फॉर ईच पार्टनर्स आर मेंटेन, ये भी आपका मेन वर्ड है, आपको बहुत अच्छे से अपने माइंड में जो है इसे क्लियर करना है।
जो हमारी कैपिटल है, कैपिटल भी टू टाइप्स की है, फिक्स एंड फ्लैक्चुएटिंग। और उसके अंदर जब फिक्स कैपिटल की बात होगी तो वहां पे टू कैपिटल अकाउंट मेंटेन होंगे, फिक्स अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट और आपका सेकेंड करंट अकाउंट। उसके बाद चलते हैं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मीन्स दैट कैपिटल ऑफ द पार्टनर डो नॉट रिमेन फिक्स बट चेंज विच विद ईच एंट्री। देखिए इसमें क्या होगा कि कोई भी पार्टनर, अगर कोई भी पार्टनर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट, इस वाले में, फिक्स वाले में आपके दो अकाउंट बनेंगे। सबसे फर्स्ट वाला अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट और सेकंड वाला बच्चों बनेगा वो बनेगा आपका करंट अकाउंट। तो जो सेकंड वाले की बात करें, इसमें एक ही अकाउंट मेंटेन होगा, तो उससे क्या होगा कि कोई भी पार्टनर अगर विड्रॉल करेगा या फिर इंट्रोड्यूस करेगा तो उससे कैपिटल हैंड टू हैंड चेंज होती रहेगी, ठीक। या फिर कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कोई भी बात होगी तो उसकी एंट्री एक ही अकाउंट में होगी। उसके बाद नाइन्थ पॉइंट पर चलते हैं, इसका नाम है ड्रॉइंग। ड्रॉइंग मीन्स विड्रॉल। विड्रॉल कौन कर रहा है? बाय द पार्टनर। कहाँ से विड्रॉल कर रहे हैं? फ्रॉम द फर्म। देखिए जो विड्रॉल हो सकता है, जो पार्टनर विड्रॉल करेंगे वो कैश में भी कर सकते हैं, काइंड में भी कर सकते हैं या फिर पर्सनल यूज भी कर सकते हैं। उसके बाद टेंथ पॉइंट है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिटिंग जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द रेशियो विच द पार्टनर्स हैव एग्री टू शेयर प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म। एक ऐसा रेशियो जिसे पार्टनर एग्री हुए हैं, किस चीज के लिए एग्री हुए हैं कि जितना भी हमें प्रॉफिट या लॉस होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर पार्टनर्स को 10,000 की इनकम होती है तो ये लोग थ्री पार्टनर हैं ए बी एंड सी, तो 2:1, ठीक है, 2:1 के रेशियो में इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये अपना क्या हुआ? PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट मीन्स मिनिमम गारंटी, गारंटेड प्रॉफिट गिवन टू ए पार्टनर और पार्टनर्स ऑफ द फर्म। इट मे बी गिवन बाय पार्टनर और पार्टनर्स ऑफ द फर्म। देखिए जहां पर हम लोग किसी पार्टनर को गारंटी दे के रखेंगे कि अगर आपको इतना प्रॉफिट नहीं होता है, तो अगर उससे कम प्रॉफिट आपको हुआ तो जितना भी डिफरेंस होगा वो पार्टनर्स बियर करेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्लाइड्स, यहां पर दिया हुआ है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप कि पार्टनरशिप क्या है। तो बच्चों पार्टनरशिप इज द रिलेशन, ये एक रिलेशन है किसके बीच में? बिटवीन पर्सन, ऐसे पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर, जो एग्री हुए हैं किस चीज के लिए? शेयर द प्रॉफिट, जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा उसे शेयर करेंगे और बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये सेक्शन फोर ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डेफिनेशन दी गई है। एक बार मैं फिर से डिस्कस करता हूँ। देखिए अगर मैं बात करूँ मीनिंग की, तो यहाँ पर बताया गया है मीनिंग के अंदर जो मीनिंग है पार्टनरशिप की, कि यहाँ पर पर्सन है, पर्सन 1, 2, 3, 4, ठीक है, मिनिमम टू पार्टनर होने चाहिए। मैं आपको मैक्सिमम बताऊंगा कितने होने चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पर सपोज करिए कि थ्री पार्टनर हैं और ये पार्टनर यहाँ पे एग्री हो रहे हैं किसी बिजनेस को करने के लिए और उसके अंदर जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसे ये लोग आपस में शेयर करेंगे। उसके बाद चलते हैं, देखिए नेचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का कैसा नेचर है? पार्टनरशिप इज ए सेपरेट बिजनेस एंटिटी फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए अगर अकाउंट, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इसे थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा कि जो पार्टनरशिप का नेचर है, अगर अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सेपरेट एंटिटी है, लेकिन अगर लीगल, उसके बाद अगर हम लोग देखें पार्टनरशिप, देखिए यहां से लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देकर देखें, पार्टनरशिप फर्म इज नॉट ए सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर।
लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, लीगल व्यू पॉइंट से ये कह रहा है कि पार्टनर्स जो हैं, पार्टनरशिप फर्म एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। इट मीन्स इन केस द फर्म इज बैंक्रप्ट, प्राइवेट एस्टेट्स और पार्टनर्स बिकम लाइबल टू मीट द डेफिसिटी। देखिए, अगर फर्म में कोई लॉस जाता है और लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है, तो जो प्राइवेट असेट्स होंगी पार्टनर्स की, वो भी लाइबल होंगी। जो भी कमी लग रही है फर्म के अंदर, जो पैसों की कमी लग रही है, उसे पूरा करने के लिए पार्टनर्स की प्राइवेट असेट्स को भी सेल किया जा सकता है। उसके बाद देखिए यहां पर असेंशियल फीचर और करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होने के लिए किन किन चीजों का, किन किन बातों का होना जरूरी है। देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट है टू और मोर पर्सन। सबसे पहले एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए और मैक्सिमम 100% हो सकते हैं। 100 से ज़्यादा पर्सन पार्टनरशिप फर्म में नहीं हो सकते हैं। उसके बाद एग्रीमेंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि एग्रीमेंट होना चाहिए पार्ट, ठीक है। और जो एग्रीमेंट है वो आपका रिटर्न भी हो सकता है या फिर ओरली भी हो सकता है। द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर इज द बेसिस फॉर देयर रिलेशनशिप। जो एग्रीमेंट है वही क्या है, एक बेसिस है किसका, देयर रिलेशनशिप का, विच मे बी फॉर ए पर्टिकुलर वेंचर फॉर ए पीरियड एट विल। अगर रिटर्न एग्रीमेंट होगा अमंग द पार्टनर, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है, देखिए ये एक एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट है, लेकिन कौन से वाला एग्रीमेंट, ये है आपका रिटर्न एग्रीमेंट, ठीक है। ये कैसा रिटर्न एग्रीमेंट, अगर पार्टनर्स रिटर्न एग्रीमेंट करेंगे तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, पार्टनरशिप डीड। उसके बाद देखिए थर्ड, थर्ड पॉइंट क्या है, बिजनेस। बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस कैसा हो सकता है, बिजनेस के अंदर देखिए क्या क्या होता है, ट्रेड, वोकेशंस और प्रोफेशन, कुछ भी हो सकता है बिजनेस के अंदर, सभी चीजें, लेकिन लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो ट्रेड करते हो, ट्रेड का मीनिंग क्या है कि किस चीज को परचेज करना एंड सेल करना। वोकेशन मीन्स कुछ बिजनेस हो या फिर कोई प्रोफेशन हो, जैसे कोई डॉक्टर, एडवोकेट। उसके बाद चलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। उनके बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए कि जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा मस्ट बी वो लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे उसे। उसके बाद क्या दे रखा है कि बिजनेस कैन बी कैरीड, बिजनेस कैरी कर सकता है कौन, कैरीड ऑन बाय ऑल या फिर एनी ऑफ देम पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। सभी पार्टनर्स मिलकर के बिजनेस चला सकते हैं या कोई एक पार्टनर, एनी पार्टनर एक्टिंग कर सकता है सभी पार्टनर्स के लिए। देखिए एक बार हम लोग फिर से डिस्कस करते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय ओरल और रिटन एग्रीमेंट। ये कह रहा है कि पार्टनरशिप बनती कैसे है, कम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली बाय ओरल या फिर रिटन एग्रीमेंट। इट इज बेटर टू हैव रिटन एग्रीमेंट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट्स। बच्चों कह रहा है कि बेटर ये है कि आप जब भी कोई एग्रीमेंट करें तो आप रिटर्न में एग्रीमेंट करें। क्यों, अवॉइड, आप बच सकते हैं एनी डिस्प्यूट से। और दिस रिटर्न डॉक्यूमेंट्स नो एज पार्टनरशिप डीड डिटेल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। इट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट्स साइन बाई ऑल द पार्टनर्स हैज क्लोज ऑन द फॉलोइंग। देखिए बच्चे, उसके बाद चलते हैं प्रोविजन। प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पर ही आपके जो न्यूमेरिकल्स होंगे, जब तक ये पूरा चैप्टर चलेगा पार्टनरशिप, पूरी बुक कंप्लीट नहीं होगी तब तक ये टेबल आपके यूज में आती रहेगी। तो आप इसे जो है ना हैंड टू हैंड नोट करते चलिएगा। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि प्रोविजन अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनर्स ने क्या है कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो देखिए अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं बनाई है तो प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट
1932 अप्लाई होंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ बातों को क्लियर कर लेना है, कुछ यहाँ पे मैटर्स हैं। देखिए मैटर्स क्या है यहाँ पर, शेयरिंग। अगर आपने देखे, मैं एक बार फिर से डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ में, कि थ्री पार्टनर हैं ए बी एंड सी, और इन्होंने ये पार्टनर तो बन गए हैं, पार्टनरशिप फर्म तो बना ली है, लेकिन इन्होंने एक मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक हुई है इनसे, कि इन्होंने जो एग्रीमेंट किया वो रिटर्न में नहीं किया, इन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई। जब इन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा, और वो क्या कहता है उसे समझिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैटर्स, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अगर फर्म को कोई भी प्रॉफिट और लॉस होता है तो उसका क्या करेंगे, तो हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, पार्टनर्स को। देखिए अगर कोई भी प्रॉफिट और लॉस हो रहा है फर्म के अंदर, सपोज करिए प्रॉफिट हुआ 10,000 का एंड थ्री पार्टनर्स हैं, लेकिन ये नहीं पता कि किसे कितना मिलेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके बीच में कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली, ठीक है। कौन कह रहा है, ये कह रहा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कि जो भी पार्टनर्स को प्रॉफिट हो रहा है आप उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, किसी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे करेंगे। उसके बाद क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगेगा, नॉट चार्ज। किसी भी पार्टनर से अगर कोई पार्टनर ड्रॉइंग करता है, ठीक है, इन द सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड 1932 अप्लाई होगा, तो वहां पर क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं लगेगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन बाय ए पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है या कोई एडवांस दिया हुआ है, तो क्या हम लोग उसे इंटरेस्ट पे करेंगे, क्या फर्म उसे इंटरेस्ट पे करेगी, तो करेगी कितना, 6% पर एनम। उसके बाद रिमिशन टू पार्टनर, रिमिशन मीन्स होता है सैलरी। क्या किसी पार्टनर को सैलरी मिल सकती है, रिमिशन, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा इज नॉट पेड, ठीक है, तो पार्टनर्स को कोई भी सैलरी कोई भी कमीशन पे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर कोई भी जो है रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, ठीक। जब रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होगा, पार्टनरशिप डीड नहीं होगी, तो 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होगा। कुछ और पॉइंट है, ठीक है, इन्हें आप थोड़ा सा इन्हें भी क्लियर कर लीजिएगा। सम अदर इंपोर्टेंट प्रोविजंस, देखिए सबसे पहले अगर किसी माइनर को पार्टनर बनाना है तो सभी पार्टनर्स की कंसेंट लेना जरूरी है। उसके बाद ए पर्सन में भी एडमिटेड एज ए पार्टनर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। उसके बाद ये आपके एमसीक्यूज में ना आ जाए इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। देखिए ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन। जो रजिस्ट्रेशन है ऑफ द फर्म, फर्म का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, ठीक। और मैंने दूसरी बात आपको फिर से बता दूं, पार्टनरशिप के लिए एटलीस्ट 2 मेंबर की नीड होती है और मैक्सिमम 100 हो सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपका कोई भी कमेंट है, डाउट है, तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।